Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. Guys, आज हम बात करने वाले हैं राहु अगर आपके D9 चार्ट में यानी नवमशा चार्ट में 10th हाउस में होता है तो उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर होता है। D9 चार्ट को जैसे हम जानते हैं कि D9 चार्ट हमारी सोल की जर्नी को बताता है और जो भी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको D9 चार्ट सिग्निफाई करता है यानी बताता है। लगन चार्ट का मतलब यह होता है कि जो भी आप मेटलिस्टिक गेन करते हैं और जो भी ये थर्ड डायमेंशन के अंदर यानी जो थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, जो भी मेटलिस्टिक गेन हो रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वो लगन चार्ट है। यानी अगर मेटलिस्टिक गेन की अगर हम बात करते हैं तो लगन चार्ट को देखें, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल गेन की बात करते हैं तो उसके लिए D9 चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। आपके अंदर भी जो एक इंसान है उस इंसान के अंदर कौन सा बदलाव आ रहा है और किन किन नई नई चीजों को आप जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो D9 चार्ट से देखा जाता है। दूसरा बोला जाता है कि D9 जो चार्ट है वो मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है, लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं होती है तो क्या उनका D9 चार्ट वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है? ऐसा नहीं है। D9 चार्ट हमारी सोल की जर्नी है और हमारी सोल यहां किन किन चीजों को एक्सपीरियंस करती है और करेगी वो D9 चार्ट से देखा जाता है। तो 35 की एज के बाद अगर आप अपना चार्ट देख रहे हैं तो साथ में D9 चार्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। और राहु को जैसे हम जानते हैं कि राहु हमारी डिजायर है, जो भी जीवन में पाने की, चाहने की, करने की जो इच्छाएं होती है हमारे अंदर वो राहु के कारण होती है। और राहु अगर आपके D9 चार्ट के 10th हाउस में है यानी कैरियर के हाउस में है तो आपकी लाइफ की डिजायर क्या होगी, यानी अंदर से आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। D9 चार्ट में 10th हाउस को अगर देखना है तो यह है आपका 10th हाउस और यहां पर अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो क्या होगा। 10th हाउस में राशि कोई भी हो सकती है और इस चार्ट को आपको वैसे ही देखना है जैसे आपको D1 चार्ट को देखना पड़ता है, सेम उसी तरीके से इस चार्ट को भी आपको देखना है। इसमें भी राहु के वही एस्पेक्ट्स होते हैं जो D1 चार्ट में है। तो D9 चार्ट जो है वो हमारी सोल की जर्नी है, सोल का एक्सपीरियंस है। 10th हाउस में अगर राहु प्लेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी, सरकारी काम और जो भी आपका कैरियर है उस चीज की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो 35 की एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। और D1 चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो D1 चार्ट में मान लेते हैं कि राहु आपके 4th हाउस में है तो पब्लिक को ये दिखाई देगा कि आपको 4th हाउस की चीजें ज्यादा चाहिए, यानी आप जीवन में जो दौड़ लगा रहे हैं वो 4th हाउस के लिए दौड़ लगा रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको सुख से संबंधित सारी चीजें चाहिए, लेकिन अंदर से जो आपकी सोल है वो सोल कुछ और बनना चाहती है, कुछ और करना चाहती है। सोल यहां पर दिखा रही है कि आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं यानी पब्लिक ड्यूटी में आना चाहते हैं, चाहे वो ड्यूटी सरकारी हो या कोई ऐसी ड्यूटी हो कि जहां पर पब्लिक ने आपको चुना हो और वहां खड़ा कर दिया हो। जैसे आप देखते हैं कि तमाम नेतागण जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक ड्यूटी करते हैं। तो राहु अगर 10th हाउस में है तो आपकी जो सोल है वो पब्लिक ड्यूटी करना चाहती है और उस चीज के थ्रू राहु अपने आप को प्रिविलेज देना चाहता है। तो D9 चार्ट का लॉर्ड यानी 10th हाउस का, D9 चार्ट के 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है तो ये वाली प्रोग्रेस आपको मिलती है, लेकिन ये सारी चीजें अंदर से होती हैं, ये सारी चीजें बाहर नहीं दिखाई देंगी, बाहर कुछ और दिखाई देगा। आप अंदर से यानी आपकी जो सोल है अंदर से इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहती है और आप इन सब चीजों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन D1 चार्ट में कुछ और दिखाई दे रहा है और D9 चार्ट में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर अपने आप को अंदर से जानना है, अंदर से समझना है तो आप अपने D9 चार्ट को देखें और 35 की एज के बाद अगर आप D9 चार्ट को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल डिजायर क्या है और आपको कहां जाना है। लेकिन D1 चार्ट मेटलिस्टिक गेन को दिखाता है, तो अगर मेटलिस्टिक गेन के बारे में अगर आपको सोचना है या समझना है तो D1 चार्ट को देखें। D1 चार्ट में मान लेते हैं कि राहु
फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस की चीजों को आप जीवन में अचीव करेंगे यानी अचीव करना चाहेंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप पब्लिक ड्यूटी भी करना चाहेंगे क्योंकि आपकी सोल की ये जर्नी है और ये आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया D9 चार्ट के बारे में कि राहु की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट के 10th हाउस में होती है तब उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।